हम स्वाति विराट के बघेली समाचार में अपना पंचन के स्वागत करी थे। रीवा के शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में रेड क्रॉस और HDFC बैंक के मदद से रक्तदान शिविर के आयोजन कीन गा रहा। ए दौरान कई एक पढ़िया लड़का खून दी नहीं। बताए दे कि पढ़िया लड़कन का नशा से दूर रह खातिर शपथ दिवाई गई ही। आई अपना पंचन का दिखाई थे रक्तदान के झलकियां और सुनाई थे रक्तदान शिविर का लेके डॉक्टर अखिलेश शुक्ला का कहा थे। और ये नशा है, ये व्यक्ति की व्यक्तिगत क्रिया शरीर को उसके मनोभावों को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही परिवार समाज इन सब चीजों में हमारी छवि को प्रभावित करता है। कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है क्या? हम लोग आज हमारी प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी मैम के निर्देशन में NCC, NSS, रेड क्रॉस और हमारे महाविद्यालय के जितने भी छात्र हैं उनके बीच हम लोगों ने HDFC बैंक के संयुक्त तत्वावधान में मानव सेवा हेतु रक्तदान का शिविर आयोजित किया है। रक्तदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है, यह हमारे बच्चे जानते हैं। और आज अधिक से अधिक संख्या में NCC के कैडेट्स, NSS के समाजसेवी छात्र, रेड क्रॉस के समाजसेवी छात्र और TRS कॉलेज के महाविद्यालय के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं वो जिला चिकित्सालय कुशाभाऊ ठाकरे के सौजन्य से उनकी वैन आई हुई है और हम लोग उसमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर रक्तदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं और एक बड़ी संख्या में रक्तदान का यहाँ दान किया जाएगा। हमारे मेजर NCC शपथ भी लिया गया। हाँ, आज हम लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय और जिला SP महोदय के निर्देशन पे हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोगों ने नशे से दूर रहने के लिए और दूर रहने के साथ साथ समाज में नशा की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को भी दूर करने के लिए हम लोगों ने शपथ ली है। और निश्चित रूप से ये एक सामाजिक संवाहक के रूप में, एक एम्बेसडर के रूप में समाज में जाएंगे और नशे जैसी जो समस्या है जो युवाओं को आज खोखला कर रही है और हमारे विकास को प्रभावित कर रही है उसको दूर करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अखिलेश शुक्ल, TRS कॉलेज रीवा। खबर रीवा जिला से ही, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 आरोपी न्यायालय से ओ वक्त रफ चक्कर हुई गए जब उनका यह पता चला कि उनके गिरफ्तारी के आदेश आएगा है। जेल के वारंट बनते आरोपी भाग निकला, जेके तलाश में पुलिस लगी ही। तीनों आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघल मोहल्ला के रहने वाले आही। बताए दे कि तीनों आरोपी सग भाई आही, जिनका नाव रविंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह है। बताए दे यह मामला कलई के नगर पुलिस अधीक्षक बताइन के पुलिस आरोपी का पकड़े खातिर घेराबंदी कीन जात लागी। जी हाँ, कल न्यायालय से 3 आरोपी फरार हुए हैं। वो न्यायालय में सरेंडर करने के लिए आए थे धारा 294-323 के मामले में। और जिन आरोपियों के नाम रविंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह और महेंद्र सिंह निवासी घोघर थाना कोतवाली से हैं। और जैसे इनका गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो ये फरार हो गए हैं, जिनकी कायमी की गई है फरारी के संबंध में। अभी इनकी तस्दीक की जा रही है और जैसे पकड़े जाएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। खबर दहेज प्रताड़ना का लेके ही, बताए दे कि जिला में दहेज प्रताड़ना के मामला बढ़ते जात लाग है। अपना पंचन का बताए दे कि छुट्टी में घरे आबा फौजी अपने घरवाली का आगी में झोंक दीस, वही अपने औरत के आचरण में संदेह रहा। बतावा जात है फौजी आए दिन शराब पी के मारपीट करत रहा है। वहीं यह घटना होए के चलते नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी संजय गांधी अस्पताल में पहुंची और दुखियारी के परिवार से बात कहीं और मीडिया का जानकारी दीन और बताइन कि यह मामला के जांच कीन जात लागी। क्या है माता जी, आपका नाम? ललिता शुक्ला। क्या घटना क्या हुई? घटना हो गया, रात में हल्ला हुआ था, हल्ला गुल्ला हो रहा था यहाँ। पड़ोसी ने फोन लगाए सुबह, तो हम सोचे कि हो गया हल्ला गुल्ला हो गया, तो मारपीट मतलब आए हैं वहाँ से तो दारू वारू पिए होंगे तो कुछ बोले होंगे। इनका रोज का यही हाल था, डेली यही हाल करते थे। क्या चाहते थे, क्यों ऐसा पता है, क्यों करते थे? बोलते थे कि चली जाओ हमारे घर से, मैं अब दूसरी की शादी करने वाला हूँ, इस तरह बोलते थे।
क्या नाम है आपके पति का? खुशबू मिश्र। पति का क्या नाम है इनके? संजय मिश्र। कब शादी कर रहे थे इनकी? कई साल हो गए होंगे? 2013 में हुई। ये क्या करते हैं पति इनके? आर्मी में है। नहीं तो लड़ाई थी, वो हर हमेशा इसी तरह करते थे, वो उसके साथ झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, हमेशा यही कहते कि मर जाओ, कुछ कर लो, हमारे घर से चली जाओ। उनके शक की बीमारी थी, किसी के यहाँ जाना आना उनको ये सोच रहे थे कि मतलब ये इतनी सुंदर है तो कोई इसको ये है वो है, सब अपने तरीके से मतलब शक करते थे। जबकि कल रात में वो दोनों बच्चों को लेके चले गए थे और वो रात में अपने घर में कमरे में थी, उसके पास ना फ़ोन है ना कुछ है, 6 महीने से फ़ोन ओन कुछ नहीं है उसके पास। एक पड़ोसी ने हमसे बात करवाया तो रो रही थी, फिर बोल रोना नहीं, मैं आके आप कल ले आऊँगी अपने पास, फिर हो गया, बात ही नहीं करी। फिर जो करे होंगे, इतनी दहेज दे के मैं शादी करी हूँ। ये बच्ची आपको कहाँ मिली है कल रात को? मैं अभी आई हूँ गांव से, मैं गांव से अभी आई। तो आग लगने की सूचना कहाँ कैसे पता चली आपको? पड़ोसी बताए कि आग लग गई, जो आए थे ले के साथ में वही बताए। क्या बताएं आपको? कि आग लगा लिए हैं, वो जल गई, बस हो गया। घर में ही जली है कि बाहर कहीं? घर में। पति कहाँ है? पति भी एडमिट है, मतलब पति भी साथ है। हाँ, पति को क्या चोट आई है? वो पकड़ उकड़ रहे थे, वो हो गए जैसे आग लगाई तो पकड़ते थे वो, मतलब जाने के लिए तो एक अच्छा मतलब ये सोच रहे थे कि बाहर ना निकलने पाए हैं। और अभी बच्ची भी बोल रही थी कि हमको 1 घंटा पानी में पड़ाए थे, आग लगाने के बाद पानी में पड़ाए थे, पानी डाले हैं और आग बुझाए। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे। आपकी बच्ची जो घायल है वो क्या बता रही, किसने आग लगाई है? कुछ आपसे बात कर रही हो? बात करती है थोड़ी बहुत। क्या बोली आपसे? कौन वो गाली गलौज खुद कर रहे थे? आग किसने लगाई थी? ये दहेज की मांग कर रहे थे, ये बोलते हैं कि और दहेज नहीं दिए, अब जबकि हम पैसा रुपया दिए हैं, 5 लाख नगद हार्ड कैश दिए हैं, लड़की को जेबर पूरा दिए हैं, फिर भी ये भी यही बोलते थे कि हमको कुछ नहीं दिया है, भिकमंगा के साथ घर के आई है तुम, यही ससुर राम सलोनी ने ही यही बोलते थे, और यही विपिन जेठ भी बोलते थे, विपिन मिश्रा यही बोलते थे। ससुराल कहाँ पे है? ससुराल मटीमा बरहा में। यहाँ पे किराए से रहते? नहीं, यहाँ खुद का घर बना। यहाँ खुद का घर बना। पुलिस को सूचना दी गई है? अब ये पता नहीं मेरे को, मैं तो अभी आई हूँ वहाँ से। ड्राइवर कैसी स्थिति है बच्ची की? बच्ची की स्थिति अब अच्छी नहीं है, पानी मांग रही बेटा, पूरा उसका जल गया है, अब देख लीजिए अपने हाथ से जाके। जी मैम, ये आग जलने की सूचना 1 महीने को आग लगा दिया जा रहा है, बताया जा रहा है वह सैनिक। जी, पति पत्नी का विवाद है, ये सच्चा नगर है, करैया के पास का एरिया है, चोरहटा थाना क्षेत्र का, तो इसमें पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है जिसमें ये आगजनी की घटना हुई है, और वर्तमान में दोनों पति पत्नी बर्न हुए हैं जिनका इलाज अभी वर्तमान में SGPU में चल रहा है। जी हाँ, आरोप लगाया जा रहा है दहेज को लेकर, क्या है दहेज को लेकर? अभी इस चीज़ की जांच जारी है और जांच में जो भी पाया जाएगा उसको आप लोगों से अवगत करा दिया जाएगा। रीवा जिला में नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण के काम करवावा जात लाग है, जेके कारण वार्ड के लोगन का बहुत परेशानी आवत लागी। बताए दे के बहुत अधिक खुदाई के चलते कई घरन के पाइपलाइन टूटी गई हैं, जेके कारण पानी के सप्लाई बंद होगा और उन्हें लोगन के कामों में प्रभाव पड़त लाग है। आई सुनी था आसपास के लोगन के का आरोप है और मौका में पहुंचे नगर निगम अधिकारी का आश्वासन देत लाग है। शाम तक पूरी धूलें धूल उड़ती है, हम लोगों को पता चलेगा कुछ दिन बाद दमा हो जाएगा, ना तो ये धूल हटाते हैं ना तो कुछ करते हैं। इसकी शिकायत भी मैंने 181 में की है,
उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना तो कोई झाड़ू लगाने आया है। 8 फीट में कह रहे नाला खुद है, पानी भरा है 8 फीट तक। क्या इसकी शिकायत तब से आपका रहे, कितना समय हो गया, क्यों लापरवाही है कुछ? ये जब से खोदे हैं तब से ये धूल उड़ना शुरू हो गई है। ये लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो गया धूल उड़ती। उसी के पहले पहले सूचना दी थी, इसके बाद ये जाम करवाया था रोड। आश्वासन ये मिला कि टैंकर आएगा, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं आया है। ये अमृत योजना के अंतर्गत महाजन टोला गड्डी मुख्य मार्ग पर जन उपयोगी नाले का निर्माण प्रारंभ हुआ। मैं नगर पालिक निगम को इस बात के लिए कोटि-कोटि बधाई देता हूँ कि यहाँ जो विगत कई वर्षों से जल भराव की स्थिति होती थी वार्ड के अंदर, इस नाले के निर्माण से निश्चित रूप से आम जनता को इससे निजात मिलेगा। गलती ये हुई कि ये नाला का निर्माण लगभग 1 किलोमीटर की खुदाई एक साथ कर दी गई। उस खुदाई के वजह से यहाँ लोगों के पेयजल का संकट आ गया, क्योंकि पानी की पाइप लाइनें टूट गईं। मुख्य लाइन के टूटने की वजह से वो नाला नदी का रूप ले लिया। जो लोगों के घर के अंदर के ड्रेनेज का पानी बाहर नाली में आना चाहिए था, ओवरफ्लो होने की वजह से उस नाले का पानी लोगों के घरों के अंदर जाना शुरू हो गया। व्यथा इतनी ज़्यादा हो गई कि लोगों के आंगन में, लोगों के बाथरूम में पानी भरना शुरू हो गया और पेयजल का संकट आ गया। यहाँ पूरे रोड में धूल का इतना अंबार लगा रहता था सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन, कि जो यहाँ के दुकानदार थे उनको लग रहा था दमा हो जाएगा। जो नाला खोद दिया गया था 7 फुट चौड़ा जो नाला खोद दिया गया था, उस नाले की वजह से लोगों के दुकानों में और घरों में आवागमन अवरुद्ध हो गया था। लोग पटरा लगा के चलते थे, हो सकता है किसी दिन किसी न किसी घटना दुर्घटना का शिकार हो जाते। एक गाय अभी आपके सामने माँ गाय मरी पड़ी हुई है, वो गाय इसी नाले में गिर गई, रात को ठंड की वजह से वो मर गई। जब सुबह लोगों ने देखा तब उस गाय को निकाला गया। तो इस तरह की समस्याओं से व्यथित होकर यहाँ के लोगों ने लगातार प्रशासन को अवगत कराया, मैंने भी बताया। जब कहीं ना कहीं ये लगा कि इन समस्याओं का निदान इस तरह से संभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ के लोगों की मांग पर हम लोगों ने धरना देने की योजना बनाई और आज हम लोग धरने पे बैठ गए। क्योंकि वास्तविकता ये है कि ये जनता है तभी हम हैं। जब इन लोगों ने हमें वोट दिया तब हम चुनाव जीते और आज हम कहीं ना कहीं नाला खुदाई हुए करीबन 25 दिन हो गए। 25 दिन से इसका काम चालू है, वो वाली रोड भी रोड नहीं बन पाई, वो वाली रोड 25 दिन से काम चालू है इसका। क्या लापरवाही, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है, क्यों नहीं किया? लापरवाही हमारी मांग ये थी कि अपन नाला उतना खोदें जितने की 2 दिन 4 दिन 6 दिन में ढलाई करवा सकें। दुकानें हैं, सब नुकसान हो रहा है। यहाँ नाला खोदने के बाद 1 किलोमीटर का नाला है, निश्चित रूप से ढलाई में टाइम लगेगा, क्यूरिंग में टाइम लगेगा, सबको मालूम है इस बात को। लेकिन वो नाला अगर स्टेप बाय स्टेप खोदा गया होता, पहले 200 मीटर खोदा जाता, फिर बनाया जाता, फिर खोदा जाता, फिर बनाया जाता, तो शायद है कि यहाँ के लोगों को उम्मीद रहती कि चलो 2 दिन में 3 दिन में बन जाएगा, 4 दिन में बन जाएगा। अब तो ये है कि ये पूरा छोर एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, कब बनेगा इसका ही कोई क्लियरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए आज ये स्टेप उठाना पड़ा। अभी स्पीड नहीं करते हैं, बढ़ाते नहीं है, फिर आंदोलन करेंगे। अभी आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसमें बेस डाल के और टीम बढ़ा के इसको निर्माण जल्द से जल्द कराया जाएगा। ये जो धूल का अंबार उड़ता है, डिवाइडरिंग करवाई जाएगी, टैंकर के माध्यम से यहाँ पानी डलवाया जाएगा। पेवर ब्लॉक लगा तो ऐसे लगा, पेवर ब्लॉक, हाँ, PWD के माध्यम से इसमें पेवर ब्लॉक लगाया गया है। ये गुणवत्ता विहीन है पूरी तरह से, बरसात आएगी ये 1 फुट नीचे घुस जाएगा, अभी टूट गया, 1 फुट नीचे घुस जाएगा और दुर्घटनाएं होंगी। इसकी भी शिकायत मेरे द्वारा PWD कार्यपालन समिति को की गई है, कोई दिखने नहीं आता, ना कोई सुनने आता, कोई आज तक PWD का संबंधित अधिकारी यहाँ देखने नहीं आया कि पेवर ब्लॉक को कैसे लगाया जा रहा है। यहाँ मोहल्ला वालों ने जो निर्माणाधीन नाला है, स्टाम्प मोटर से बन रहा है, उसके खुदाई को लेकर के था, क्योंकि नाला लंबा था और लेबल मिलाने के लिए इनने खुदाई रात में की अचानक, और कुछ पाइपलाइन डैमेज हुआ जिसको पानी भरा, उस वजह से इनको दिक्कत थी। हम लोगों ने बुला करके उनके समाधान किया है और गति को तेज बढ़ाने के लिए संविदाकार को भी निर्देश दिया है। हमारा PDMC सुपरवाइजर एजेंसी है, नगर निगम का स्टाफ है, सबके साथ हम लोग इसको तेज गति में अच्छे मानक और गुणवत्ता का बनाएंगे। इस बात का आश्वासन देने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है।
नहीं, अब निर्माण कार्य में थोड़ा परेशानी होती है, चूँकि वर्क है, इसको काम करने में क्रमबद्ध तरीके से करना पड़ता, खोदा फिर बेस डाला फिर दीवार डाला लोहा भी बांधा, तो गति को तेज़ करना था कि लोग ज़्यादा परेशान ना हो, इस वजह से लोगों को थोड़ा लग रहा था कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम उनकी परेशानी के साथ खड़े हैं। नहीं नहीं, विकल्पी व्यवस्था इनको जो प्रकाशन के लिए हमने गार्ड स्टोन वगैरह लगाने के लिए बोला है, बल्ली गाड़े पट्टे बांधे प्रकाशन बनाएं और वो प्रॉपरली पानी का छिड़काव करें ताकि धूल न उड़े। नहीं नहीं, हम लोग हरदम इनकी शिकायतों का संज्ञान लेते रहे और समाधान करते रहे, आज भी उनसे हम समाधान ही कर रहे हैं। नाला बड़ा महत्वपूर्ण है और ये जो है पूरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाजन टोला का पानी लेकर के सावा नाला में जाएगा, क्योंकि गहरा नाला है, बड़ा नाला है, इसकी साइज़ जो है 1.5 मीटर बाई 2 मीटर की है, कवर्ड रहेगा पार्शली, तो थोड़ा जनता के लिए तकलीफ तो है थोड़ा सा, जहाँ खुदा है उनको निकलने के लिए कुछ साधन सुविधा दिया गया है और मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि उनको कोई दिक्कत ना हो। और अगली खबर में बात करी थे किसानन के समस्या का लेके, प्रदेश और केंद्र सरकार कितना दावा कर ले पर किसानन के मुश्किलन का हल तुरंत नहीं कीन जाता है। कहा यह जात है कि सरकार किसान के हितैषी आए, लेकिन जौन मेर से किसान खाद बीज पानी के साथ साथ अपने उपज का बेचे खातिर पसीना बहावत है, उसे यह लागत है कि किसान बहुत ही समस्या से ग्रस्त है। आई सुनित है किसान अपने समस्या का लेके का कहा थे। किसान की तौलाई यहाँ नहीं होगी तो आज हम लोग सभी किसान मिलके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, बाईपास में चक्का जाम करेंगे। बताया जाता कि यहाँ पे जो है तो घोंस भी 500 रुपए लगता है। 500 यहाँ तक कि ये लेबर भी लेते 300-400 पहले तौलाने पहले, ये खड़े हैं पीछे सरकार प्रदान कर रही है, किसी को 500 कुछ 100 रुपए 200 पैसा देना पड़ता है। नाम पंचराशी, आप लोग को यहाँ पे क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? सुविधा क्या है सर, कुछ तो नहीं, पानी वगैरह है, कुछ वगैरह। इसलिए प्रशासन बोलता है कि हम हर खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए सब सेवा उपलब्ध कराएंगे। यहाँ तो कुछ नहीं, झाड़े जाने के लिए डब्बा भी नहीं है, कोई सेवा नहीं है, खाने का ना पीने का, लाई भी लगती है सर, यहाँ बोलिए ना, यहाँ खड़े हो, लाई भी लग रही सर, आयु लागत 14 रुपया कुंटल जी, 500 रुपया टाली भोंस भोंसो लागत, सब जगह तो उलाई नहीं लागे, 3 रोज से पड़ा हमारी 7 तारीख से आए के यहाँ। इस बियर हाउस का क्या नाम है? व्यवस्था या ना पानी ना पिंगल ना खाने ना पीने कुछ, लक्ष्मी बियर हवा है। खबर मनगवा थाना क्षेत्र से ही, जहां पुलिस मेडिकल स्टोर में दबिश दे के अधिक संख्या में बाधित गोली पकड़ी सी। बता दें कि पुलिस का सूचना मिली रही कि मनगवा थाना क्षेत्र में देवांशु मेडिकल स्टोर चला थी, जहां अवैध नशीली गोली बेची जात लागी। बता दें कि पुलिस मेडिकल चलावे वाले पंचराज पटेल बैकुंठपुर के रहने वाले के खिलाफ NDPS धारा लगा के प्रकरण पंजीबद्ध करके जाँच शुरू कर दी सी और आरोपी से पूछताछ की जात लागी। आज खातिर इतने, बघेरी में विंध्य के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।